तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसीव ब्रांड स्टोर। तो कैसे हैं सब, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक से होंगे। ये वीडियो आज का जो हमारा रहने वाला है थोड़ा सा यूनिक है, हटके है। हमारे चैनल पर कभी आज तक इस प्लांट्स के ऊपर चर्चा नहीं हुई है, और वो प्लांट्स क्या हैं ये देख सकते हैं। और ये सारा मीडिया हमने है, ये कोको चिप्स है, वो हमारे जो लकड़ी के ऊपर जो बक्कल होता है वो बक्कल है, वो जली हुई लकड़ी का कोयला है, और ये थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं इसको रोड़ा है ईंट का और गमलों का। और ये किस लिए लिया है, ये है हमारे पास प्लांट देख सकते हैं, ये हमारे पास ऑर्किड्स के प्लांट हैं। ये देखिएगा, ये जो है हमें अभी भीमताल हम गए थे ज़रा थोड़ा सा घूमने के लिए, तो इस पर ये जो छड़ दिख रही है ये देख रहे हैं, ये इस पर फूल आता है इस पर बंच से गुच्छे के साथ। तो ये वेंडा वैरायटी का जो है माना जाता है ये अपना ऑर्किड्स का प्लांट, तो ऑर्किड है। आज मैं इसको लगाऊंगा इस मीडिया के अंदर, मैं काफ़ी सारी रिसर्च की। तो वैसे हम पर कोको चिप्स के अंदर भी लगा सकते थे, पर हम मिट्टी के गमले के अंदर लगाएंगे। इसके लिए जो पॉट आते हैं वो पूरे जालीदार होते हैं, बाहर से साइडों से सब तरफ से खुले हुए, क्योंकि इसकी रूट्स को जो है हवा चाहिए होती है। तो ये देखिएगा, ये हमारे काफ़ी सारे प्लांट्स हम लेकर के आए हैं, एक दो नहीं है बहुत सारे प्लांट्स लेकर के आए हैं, ये देखिएगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि आज इसको हम लगा करके देखेंगे, और लगा करके देखने के बाद हम अपना अनुभव भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये देखें नई रूट निकल रही है इसकी, तो हम इसको लेकर के आए थे, इसका वीडियो हमने बनाया है शॉर्ट में, आप देखिएगा शॉर्ट में जा करके कि वो। ये भी देखें, ये फूल वाली जो है बंच वाली है, फूल आता है इस पर। अब इसमें कलर कौन से हैं ये मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि इसको, वैसे तो ये ठंडे इलाके के, और मैं बताऊँ ये मिला कैसे था मुझे, दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये भी मेरे कुछ पड़े हुए हैं ऑर्किड्स, तो इसको इसी मॉस, ये देखें ये जो है ये बक्कल है नाशपाती के पौधे का, ये नाशपाती के पौधे पर लगे हुए थे भीमताल के अंदर। तो इसके ऊपर ये होती है मॉस ग्रास लगी हुई, और ये देखें रूट भी, रूट जो होती है वो दोनों के बीच में कवर होकर चलती है, ऊपर से मॉस ग्रास जम जाती है। ये देखें ये रूट है इसकी बक्कल के ऊपर, और ऊपर से जो होती है वो आ जाती है मॉस ग्रास। ये देखिएगा ये रूट है इसकी, क्योंकि टूट गई है, हमने जो है जैसे निकाला था तो उस हिसाब से ये जो है कुछ टूट गई है। ये देखिएगा, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वैसे मैंने छाया में रख रखा है। ये देखें ये बक्कल है पूरा, बक्कल सहित मैंने इस तरीके से छुटाया था, तो इसको मैंने इसलिए इधर छुपा करके रख रखा है और इसके ऊपर से ढक रखा है, क्योंकि ये मॉस ग्रास के नीचे थोड़ी सी मॉइस्चर भी मतलब ठंडा रहेगा, क्योंकि ठंडे इलाके में होती हैं ये। और ये थोड़ी सी फर्न भी थी, ये तो मैंने लगा दी, ये फर्न भी उसी पे ही थी, बर्ड नेस्ट फर्न। तो मैं इसकी जो काई वाली थोड़ी सी मॉस है उसको भी मैं लूँगा और उसको भी लगाऊँगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ कि मैंने ये गमला जो लिया है, ये लगभग 9 इंची का गमला है। 9 इंची गमले के अंदर हमने थोड़ा सा जो है अपने ईंट पत्थर कंकड़ जो भी लेना थे वो लिए हैं, और नारियल तो है नहीं मेरे पास, जो पीने वाला जो आता है वो सूखा हुआ ड्राई हो तो उसमें भी बहुत इजीली आराम से चल जाता है। बस आपको इसकी रूट्स को जो है बाहर रखना होता है थोड़ा सा, कुछ अंदर दबाना होती है और कुछ बाहर रखना होती है। फिलहाल ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं आपको सजेस्ट हालांकि अभी नहीं करूँगा, फिलहाल मैंने जैसा देखा है वैसा ही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे भी सफलता इसकी मिलेगी मुझे तब मैं आपके साथ फिर वीडियो शेयर करूँगा। और सारे जितने भी ऑर्किड्स हैं ये लगभग 18 लगभग ये हैं, और बाकी 5-6 वो हैं, 22-23 लगभग ले आया था मैं खाली बस। तो मुझे तो जो है देख करके एक्साइटमेंट होने लगी, पौधे के ऊपर ये लगे हुए थे, मैं तो बस ये दिल चाह रहा था कि सभी ही एकदम से रख लूँ, मगर अब थोड़ी सी घर पे आकर के जब देखा तो ये कोको चिप्स नहीं थी, तो कल बॉबी भाई के यहाँ से कोको चिप्स लाना पड़ी। और फिर ये आज पूरा दिन मुझे, कल से मुझे समझ लीजिए परसों से मैंने ऑर्किड्स जब से ले कर आया हूँ परसों के बाद से कल से इसी काम में लगा हुआ हूँ कि ये कहाँ से लाना है। ये भी फिर जो है अवेलेबल करवाई मैंने, ये मैंने पेड़ पर से खाल पर से छोटे सूखे हुए पौधे पर से ये खाल छुटा करके लेकर आया हूँ, फिर ये अभी कोयला बीन करके लाया हूँ कहीं से किसी जगह पर रखा हुआ था, फिर ये रोड़ा ईंटें कच्ची कच्ची लेकर के आया, तो इसको मैंने हथौड़ी से आज दोपहर में तोड़ा है, और देखें कितने ढेर सारे तोड़ के रखे हैं मैंने। तो ये काम आज किया है पूरा दिन में, मतलब जो है मैनेजमेंट किया गया है। तो आज मैं अब आपको दिखाता हूँ कि अब हम कैसे करके बनाने वाले, बाकी तो आपने देख ही लिया। मैंने एक हिस्सा जो है ये लकड़ी का लिया है छक्कल, और एक हिस्सा जो है कोयला लिया है, और एक हिस्सा जो है हमने ये लिया है, और बाकी हम लेंगे कोको चिप्स। तो इसको हम जो है इस तरीके से देखें, ये देखें कल हमने रात में ही इसको जो है भिगो दिया था लाते ही तुरंत, और आज दिन भर पूरा दिन ये सूखी है, तो इसको हम इस तरीके से इधर रख लेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से,
फर्स्ट टाइम है मेरा, और ये थोड़ी सी इसकी मात्रा हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि अब इसको हम मिला लेंगे। और इसमें जो है किसी भी तरीके की कंपोस्ट वगैरह आपको नहीं मिलाना, ना ही मिट्टी मिलानी है, तो इसको इस तरीके से हमें मिला लेना है। ये देखिएगा, चाहे तो इसको और छोटे छोटे कर सकते हैं आप, और मैंने इसी अभी ऐसे ही रहने दिया है, बड़े बड़े तो आप छोटे छोटे कर लें। और मैं आपको दिखा रहा हूँ लगा करके, शायद ये मेरा जो है थोड़ा सा सफल हो जाए अगर ये मिट्टी के गमले में। वैसे तो ये पेड़ पे चलते हैं और नेट पॉट के ऊपर ही इनकी रूट रहती हैं, और ये बाहर से ही अपना जो है मॉइस्चर लेती रहती हैं। तो इस तरीके से हमने जो है ये ईंट का रोड़ा भी लिया है साथ में, इस तरीके से हमने इसको मिला लेना है। ये सारा देखें, बड़ा मोटा मोटा सा रोड़ा इसका रहता है। और चलिए अब मैं इसको फिल करता हूँ इसके अंदर, गमले के अंदर छेद होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया ही है और बताता भी हूँ। तो इस तरीके से जब ज़्यादा हो जाए, अगर कोले के लग रहा है ज़्यादा आए तो थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये रोड़ा ईंट का, इस तरीके रोड़ा ईंट का हम इसलिए ले रहे हैं कि ये थोड़ा सा रूट को जो है, और ये जितनी भी चीज़ें ली गई हैं ये सारी अपने अंदर पानी सोख के रखने वाली चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये है, ये भी अपने अंदर पानी सोख के रखेगी ईंट का टुकड़ा। और दूसरा ये कोयला है, कार्बन का ये स्रोत है, ये भी अपने अंदर पानी सोख के रहेगा। ये कुछ हाफ जली हुई लकड़ी है, अभी इसके अंदर लकड़ी भी है, हाफ जली हुई है, कुछ पक्का लोहा है, और कुछ ये जो है हमारा, ये भी मॉइस्चर बना करके रखेगा अपने अंदर। देखें इस तरीके से, देखें दबा रहा हूँ तो पानी निकल रहा है इसके अंदर से। और ये चीज़ जो है अपना छिलका, ये पौधे का छिलका है बड़े पेड़ का, ये थोड़ा जो है तो इसके अंदर भी जो है मेंटेन बनाए रखने की ताकत होती है, और इसके अंदर जो है ठंडा रखने की कुव्वत भी होती है, ये पौधे को ठंडा रखेगी। चलिए अब मैं अब एक पौधा निकालता हूँ सही सा, और उसको लगा करके देखूँगा। ये रहा हमारा पौधा, आप चाहें तो उसकी रूट को कट भी कर सकते हैं। और तो इस तरीके से ये है रूट, देखें काफ़ी लंबी सी जा रही है, तो हम इसकी रूट को इस तरीके से ही रखेंगे, इस तरीके से देखिएगा। अब हम इसको जो है थोड़ा सा इसके ये जो फूल वाला जो बंच वाली फूल है इसको हम कट कर देंगे यहाँ से अभी, और बाद में हम इसको आपको समय समय पर दिखाते भी रहेंगे कि इसकी रूट यहाँ से डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है। ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है क्योंकि रूट बहुत ज़रूरी डेवलप होना चाहिए। तो इस तरीके का ये मीडिया है। अब मेरा, मैंने जैसे आपको बताया, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जैसा भी रहेगा मैं आपके साथ आगे इसका वीडियो शेयर करता रहूँगा। तो इस तरीके से हमें इसको रख देना है। अब इसके ऊपर करना क्या है, हमें अभी मैं दिखाता हूँ इसके ऊपर अब करना क्या है। ये हमारा बन गया है, बिल्कुल रेडी है। वैसे तो ये मॉस ग्रास में भी हो जाता है, मॉस ग्रास के ऊपर और लकड़ी के बक्कल के ऊपर। तो इसके ऊपर हम करेंगे क्या, इस तरीके से ये जो हम लेकर के आए हैं, इसीलिए लेकर के आया था मैं इसको, मॉस ग्रास को थोड़ा सा छील करके वहाँ से। तो वैसे आपके यहाँ जो मॉस ग्रास मिल जाती है नर्सरी में, वो भी काम करती है इस पर, वो भी बिछा सकते हैं। मेरे पास वो है, मैं वो ही बिछाऊँगा। ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल बतौर आपको दिखा रहा हूँ, बस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी कुछ समझ में आ जाए। और अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। अब मैं इसको जो है इसे शेड वाली जगह पर रखूँगा। अब मैं इसमें पानी दे देता हूँ, पानी देगा एक बार भर के, और इसे जो है मॉइस्चर जो है पसंद होता है इस पौधे को। तो देखिएगा साथियों, अब हम इसमें जो है इस तरीके से पानी देंगे। अब पानी हम कितना भी दे देंगे, हमें मालूम है कि ये मीडिया ऐसा है बहुत ही ज़्यादा। देखें नीचे से निकलना शुरू हो गया, अभी ऊपर से जलने की देर नहीं हुई है, नीचे से निकलना शुरू हो गया है। अब इसको मॉइस्ट रखना है। ये देखिएगा इस तरीके से, देखें इसका पानी देखें कितनी तेज़ी से निकल रहा है। ये देखें, देखें इस तरीके से हमने जितना भी दिया वो सारा निकल गया। मगर एक चीज़ आप गलती ना करें इस चीज़ को लेकर के, कि इसकी जो नीचे से जो है इसको आप स्टैंड पे ही रखें, चाहे किसी गमले के ऊपर रख लें, क्योंकि बिना स्टैंड के ये, जैसे मैंने भी आपको दिखाया कि इस तरीके से रखा हुआ था तो पानी नहीं निकल रहा था, हल्के हल्के निकल रहा था। अगर स्टैंड पे होगा तो इसमें कितना भी पानी बरसेगा एकदम से इसका जो है ड्रेन होता चला जाएगा। और ये हमारा पौधा, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अच्छा चलेगा, और इसका अपडेट मैं आपको ज़रूर दूँगा, इसका भी दूँगा और सारे पौधों का भी अपडेट दूँगा। ये देखें यहाँ से रूट जो है इसको भी हम थोड़ा सा और कवर कर देंगे, ताकि जो है हमें आगे चल के इसका जो है रिजल्ट देखने को अच्छा मिले। तो आपके पास जो मॉस ग्रास है वो वाली भी आप लगा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे सलाह दे सकते हैं, और बाकायदा हम इस पर चर्चा करेंगे। और बाकी ये इस तरीके के जो है ऑर्किड्स आपको जो है काफ़ी कॉस्टली मिल जाते हैं,
फिलहाल ये तो हम फ्री में लेकर के आए हैं, हम आपको बता रहे हैं, सीधी सिंपल सी बात है। और 17-18-23 के करीब लेकर के आया हूँ, जिसमें से एक आदित्य भाई के लिए है, एक गालिब भाई के लिए हमारे, और एक हमारे जो है जाहिद भाई ने बोल रखा, तो तीन ये हमारे जो है तकसीम हो चुके हैं। अब जब आएंगे तब उनका स्वागत है, ले जाएँ ऐसी गमले में लगा के हम रख देंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर करें, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो अच्छी सी वीडियो साथ, तब तक लो दोस्तों, खुदा हाफिज। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे कि मैं जो है थोड़ा सा ऑनलाइन का सिस्टम करना चाहता हूँ, प्लांट से सेल करने का सी, अगर आप इसके इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं इनसे, अगर आप हमसे पौधे परचेस करना चाहते हैं तो हम देखते हैं, कोशिश करेंगे, एक बार ट्राई लेंगे, चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो कोई बात नहीं है, तो फिर हम इसको जो है काम को बंद कर देंगे। फिलहाल ये हमारा जो है छोटा सा एक्सपीरियंस था ऑर्किड्स के ऊपर, तो ऑर्किड्स के जो है जैसा भी रहेगा तो हम उसको जो है आपके साथ फिर शेयर करेंगे इसकी पूरी डिटेल। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों, खुदा हाफिज़।